हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल 15 साल का वनवास पूरा कर चुका है। ओम प्रकाश चौटाला बुधवार को कैथल में चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर सम्मान दिवस समारोह में बोल रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि सत्ता में आने पर इनेलो सरकार किसान और मजदूर वर्ग पर खास ध्यान देगी। ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट वितरण में जन भावनाओं का ध्यान रखने और एक तिहाई टिकटें महिलाओं को देने की भी घोषणा की। आइए जरा ओम प्रकाश चौटाला के भाषण के मुख्य अंश सुन लेते हैं। महाभारत का सीरियल भी आता है, आप देखते होंगे कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला। भगवान राम को राज तिलक की बजाय 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 15 साल का वनवास काट चुकी, 10 साल कांग्रेस का प्रशासन रहा और 5 साल लुटेरों की सरकार रही। इनके सारे किए हुए कारनामे अगर मैं बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। इन्होंने 3 दफा हरियाणा को जोड़ने का काम किया। मुख्यमंत्री का चर्चा चल रहा था, आप सुन के हैरान होंगे कि आम आदमी की बात को छोड़िए, इस राज्य में हरियाणा प्रदेश में 80 पुलिस वाले और बीएसपी के जवानों को भी मारा गया। जो नाम आपकी तरफ से आएंगे उन्हीं में से अच्छे प्रत्याशियों को हम छाट करके चुनाव मैदान में उतारेंगे। पार्टी के प्रति समर्पित अच्छा कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, लोगों की तो चिंता करने की जरूरत नहीं। सरकार बनाना आपकी जिम्मेवारी है और सरकार बनने के बाद हम आपको सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। हम आपके लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं आए, आपके खेत का उत्पादन बढ़े, व्यापारी के व्यापार की समुचित व्यवस्था हो, किसी कारणवश मजबूरी में वोट चाहे कहीं भी दे दिया हो, हम उस पढ़े लिखे युवक के रास्ते में उसके माँ बाप के गलत निर्णय की वजह से उस युवक का नुकसान नहीं होने देंगे, हम उसको भी नौकरी देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। बात तो लोग रोज करते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, युवाओं को सुविधाएं प्रदान करेंगे, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं आपसे वायदा कर रहा हूं और आप मेरी तरफ से सबको जाके कहें कि हम वायदा नहीं करेंगे बल्कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर हम जो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची छाया करेंगे उसमें महिलाओं को 33% टिकट हम देंगे। युवाओं ने देश के नाने हुकूमत को संभालना है, हम उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे बल्कि उनका भविष्य उज्जवल बन सके उनको भी उनकी संख्या के मुताबिक टिकट दें। सरकार बनने के बाद आपको हम सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करेंगे। किसान को सबसे ज्यादा सुविधा हमारी सरकार बनने के बाद हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। आपकी आमदन को बढ़ावा देने के लिए हम बिजली और पानी का समुचित प्रबंध करेंगे, समय पर अच्छी खाद और कीड़ेमार दवाइयां उपलब्ध कराएं और सरकार की तरफ से
निर्धारित मूल्य पर किसान का उत्पादन खरीदे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इंडियन नेशनल लोकदल की जीत की संभावनाओं के बारे में दो शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।